शड्यूल फॉर एडमिशन इन के ठीक है के वी में वर्तमान सत्र के लिए दो हज़ार uh, तेईस चौबीस के लिए एडमिशन की प्रोसेस जो स्टार्ट हो गई है तो uh, देखते हैं मेन डेट्स क्या है? uh, uh, under, हैं एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन दो हज़ार बाईस तेईस विल बी एज अंडर ठीक ये डेट्स हैं कंटेंट्स एंड शड्यूल फॉर डेट्स एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन एडवर्टीजमेंट लेटेस्ट बाई ट्वेंटी फिफ्थ मार्च दो यानी पच्चीस मार्च तक जो है एडमिशन की जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी ठीक है सेकेंड वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट के रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है सत्ताईस तीन दो हजार तेईस यानी सत्ताईस मंडे से जो है आ, स्टार्ट हो जाएगी क्लास फर्स्ट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास फर्स्ट लास्ट डेट कब रहेगी सत्रह अप्रैल शाम सात बजे तक ठीक है यानी कहने का मतलब डेट्स क्या है सत्ताईस से लेकर सत्ताईस मार्च से लेकर सत्रह अप्रैल तक क्लास फर्स्ट के एडमिशन की ठीक है उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजन सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उसकी जो लिस्ट आएगी वो आएगी बीस चार दो हजार तेईस यानी बीस अप्रैल तक लिस्ट आ जाएगी ठीक है एडमिशन विल बी ओपन फ्रॉम इक्कीस चार दो हजार तेईस ऑनवर्स यानी इक्कीस से जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा वेटिंग लिस्ट या प्रॉपर लिस्ट आने के बाद जिन बच्चों का भी लॉटरी में नाम होगा ठीक है एडमिशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग अंडर फॉलोइंगी सर्विस प्रायोरिटी फर्स्ट एंड सेकेंड सॉर्ट फॉल ऑफ द रिजर्वेशन कोटा अंडर द एडमिशन वॉन एंड टू ठीक है इसकी लिस्ट भी अट्ठाईस चार तक जो है जारी कर दी जाएगी इफ़ सीट से मीनस वैकेंट ठीक है अगर सीटें खाली रहती हैं तो उसके बाद आगे थर्ड लिस्ट जो है चार मई 2023 को आ जाएगी इफ़ सीट सेमीन्स वैकेंट उसके बाद आर टी की जो है एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर आफ लाइन ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आर टी प्रोविजन एस सी एस टी ओ बी एन सी डे सफिशेंट एप्लीकेट्स वॉट रिसीव इन ऑनलाइन वो अगर ऑनलाइन में पूरे बच्चे नहीं आते हैं या सभी रजिस्ट्रेशन सीट्स फिल नहीं हो पाती हैं तो उसमें दोबारा नोटिफिकेशन आएगी जिसमें ऑफलाइन जो है आवेदन करना होगा दूसरी जो नोटिफिकेशन आएगी वो तीन मई दो हज़ार तेईस को आएगी चार पाँच से ग्यारह पाँच तक रजिस्ट्रेशन चलेगा डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ एडमिशन अट्ठारह पाँच से जो है पच्चीस पाँच तक उन बच्चों की जो है लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगी ठीक है ये दूसरी नोटिफिकेशन की बात है जब ऑनलाइन में पूरे बच्चे नहीं मिलेंगे तो सेकेंड नोटिफिकेशन तीन पांच दो हज़ार तेईस को आएगी आगे चलते हैं आ, कक्षा दो तथा अन्य कक्षाओं के लिए पंजीकरण यानी मतलब जो अभी जो ऊपर हम बात कर रहे थे इट इज फॉर फर्स्ट ओनली ठीक है कक्षा दो से लेकर ग्यारहवीं तक दसवीं तक कक्षा, दस कक्षा ग्यारह को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियाँ होने की स्थिति में यानी क्लास सेकेंड ऑनवर्ड सिक्स क्लास इलेवन इन टू अवेलेबिलिटी ऑफ दर वैकेंसीज इन पर्टिकुलर केस क्लासेज क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ इन सब एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है अगर विद्यालय में सीट्स हैं तो उनके लिए ऑफलाइन जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो इसमें तीन चार दो हज़ार तेईस से बारह चार दो हज़ार तेईस तक ऐसा होगा डिक्लेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स की जो फाइनल लिस्ट आएगी सत्रह अप्रैल दो हजार तेईस तक आएगी एडमिशन फॉर क्लास सेकेंड्स ऑनवर्ड्स अट्ठारह चार से उनतीस चार ठीक है अट्ठारह अप्रैल से उनतीस अप्रैल लास्ट डेट फॉर एडमिशन ऑफ ऑल क्लासेज क्लास इलेवन जो फाइनल डेट है एडमिशन की वो तीस छः दो हजार तेईस तक है इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा कक्षा ग्यारहवीं को छोड़कर कि इलेवेंथ का जो रिजल्ट आता है टेंथ का रिजल्ट आता है वो मई में, में आता है मे लास्ट तक आता है उसके बाद इलेवंथ के एडमिशन जो है वो स्टार्ट होते हैं तो कक्षा ग्यारहवीं को छोड़कर सारे एडमिशन जो है तीस जून दो तक कम्प्लीट हो नहीं है ठीक है फॉर के स्टूडेंट्स अगर कक्षा ग्यारहवीं की बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिशन इन क्लास एलेवंथ अगर केवी का बच्चा है अगर उसने टेंथ केंद्रीय विद्यालय से पास किया है तो विदिन टेन डेज आफ्टर द डिकुलेशन ऑफ द क्लास टेंथ रिजल्ट यानी कक्षा दसवीं के रिजल्ट घोषित होने के दस दिन बाद ही आपका क्लास इलेवन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा अगर वो बच्चा के वी का है तो ठीक है फॉर के वी स्टूडेंट्स डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड द एडमिश इन क्लास इलेवन विद इन ट्वेंटी डेज आफ्टर डिकुलेशन ऑफ क्लास टेंथ रिजल्ट यानी बीस दिन बाद उसकी लिस्ट भी आ जाएगी नॉन के वी स्टूडेंट्स के लिए क्या है जो uh, के के अलावा जो बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द एडमिशन लिस्ट इन एडमिशन क्लास इलेवन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस वैकेंसीज अगर के के एडमिश लेने के बाद भी अगर सीट्स बाकी रहती है तो नॉन के के बच्चों को मौका मिलता है आफ्टर सबमिशन ऑफ के स्टूडेंट्स इन क्लास इलेवन ठीक सारी चीज़ें अगर जो के के बच्चे दे देंगे उनका प्रॉपर एडमिशन हो जाएगा तब सीट वैकेंट रहेंगी तब नॉन के के स्टूडेंट्स को जो है इंटरटेन किया जाता है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्लास इलेवंथ थर्टी डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रेगुलशन ऑफ़ द टेंथ रिजल्ट बाई सी बी एस ई यानी तीस दिन के बाद तक सारी सीट्स जो है क्लास इलेवन में भी फिल हो जानी है। ठीक तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन रजिस्टर्ड लिस्ट चिल्ड्रेन कटेगरी वाइज प्रोजिलिटी सिलेक्ट चिल्ड्रेन वेटिंग लिस्ट सब्सिक्वेंट लिस्ट ऑफ कंपल्सरी डिस्प्लेट ऑन द वेबसाइट होता है केंद्रीय विद्यालय ऑफ द स्कूल से नोटिस बोर्ड ठीक है ये विद्यालय के लिए नोटिस है ये सारी चीजें जो है आपको ऑनलाइन करना है जो भी सिलेक्टेड लिस्ट है जो भी लॉटरी में बच्चे आएंगे उन सभी को आपको विद्यालय के साइट पर अपलोड करना है और साथ में स्कूल के नोटिस बोर्ड पर स्कूल के गेट पर आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले करनी है ठीक है तो ये क्लास uh, के वी में क्लास फर्स्ट टू अलेवेंथ के एडमिशन की सारी प्रोसेस थी जो हमने यहाँ पर देखी ठीक है ओके दिस वन थैंक यू